सदन के नेता मुख्यमंत्री जी बहस का जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो उन्होंने राज्य सरकार के एक वर्ष का लेखा जोखा इस हाउस के सामने और जनता के सामने रखा, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे अफसोस है कि सदन की गरिमा और संसदीय परंपरा पर फिर से ध्यान नहीं दिया गया। ये पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, इस साल भी अपन ने ऐसे किया। कुछ ऐसी परंपरा होती हैं, हाउस की ऐसी परंपरा हैं जो हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां देखती हैं, और मैं समझती हूं कि उनको स्वस्थ रखना ये सिर्फ इस तरफ का नहीं, दोनों तरफ का काम है, और मैं समझती हूं कि ये काम हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए मुझे अफसोस है, आज माननीय LOP के भाषण को सुना, वो आपके पीछे वो लिखा हुआ था उसको भी मैं उसी समय देख रही थी, तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा उसको पढ़ दूँ। वन मस्ट नॉट आइदर एंटर एन असेंबली हॉल और यू मस्ट स्पीक देयर विद ऑल द राइटियसनेस फॉर वन हु डज नॉट स्पीक और वन हु स्पीक्स फॉल्सली डज इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन इक्वल सिन। उसका वो मुझे लगता है ट्रांसलेशन यहाँ है। मैंने अपन जब इस हाउस के अंदर आते हैं और अभिभाषण जैसी चीज़ के ऊपर और जनता के सामने पेश होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जो बातें अपन करते हैं, हो सकता है कि हमें पसंद ना आए, और हम तो अपनी कमियां देखने को समझने को पूरी तरह से मैंने तैयार हैं, परंतु कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो मज़ा आए। और मैं मानती हूँ कि ये अभिभाषण जो चीज़ है उसको गहराई से समझने की ज़रूरत है, उसका अध्ययन करने की ज़रूरत है, और उसको दो तरीके से अपन देख सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल व्यू है कि उसको ट्रेडिशनली आप लोग देख लो, और ट्रेडिशनली उसमें जो उपलब्धि हुई है या नहीं हुई है उनके ऊपर हम लोग बहस कर लें, परंतु उसके ऊपर एक दूसरा भी नज़रिया है, और वो ये नज़रिया है कि किस सोच से ये बनाया गया था, उस सोच की गहराई क्या है, भावना क्या है, इसको योजना जो बनी है उस योजना को किसने और कैसे सोच के उस योजना को सामने रखी है, और इस तरीके से रखा है कि सरकारी तंत्र, वही सरकारी तंत्र माने काम करने की शैली में जनहित के भावना को समझ के आ गया है। सत्तारूढ़ मैं मानती हूँ अध्यक्ष जी बदलता रहता है, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था बदलती नहीं है, और सरकारी प्रशासनिक ढांचे को जनता की की आशंका के हिसाब से अगर अपने को ढालने की ज़रूरत है, उसको उसके अनुरूप अगर उनकी सेवा में लगाने की ज़रूरत है, तो फिर उनको डायरेक्शन देने की भी बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और वो तभी उनके सोच में फिर परिवर्तन आता है। दो वर्षों के अंदर हम लोगों ने टीम राजस्थान के रूप में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो जनता हो, सब लोगों की बात को सुन के टीम के रूप में हम लोगों ने परखा, सोचा, और उसके बाद प्लान्स बना के उनको क्रियान्वित करने के लिए आप सबके सामने रखा। पर मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे प्रयास होते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रयासों से भी अपना मुंह फेरने की कोशिश करते हैं, सच्चाई के सामने कतराते हैं। समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि उसको देख के, उसको समझ के फिर उससे अपन आगे बढ़ें तो मैं समझती हूँ कि कुछ फ़ायदा है। पर मुझे ये विश्वास है कि जनता की कसौटी के ऊपर जब ये प्रयास, हमारे ये प्रयास उनके सामने आएंगे, तो वो जनता उसको नज़रअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने क्या काम किया है। हम लोग लगातार उनके बीच में जाते हैं और उनकी बात को सुन के सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का एक बहुत बड़ी भूमिका है और रहेगी, और जहां सरकार की नीति और कार्यक्रम और क्रियान्वयन की कमी बतलाने का ये भी आपका, मैं समझती हूँ, एक धर्म है, ये बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि इसमें गलती है, क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इसको निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करें तो मैं समझती हूँ कि मज़ा आएगा। और फिर मैं माननीय सदस्यों को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने, जो राज्यपाल ने भाषण में अपनी बात को रखा, उसमें आप लोग सबने बहुत सारे
अच्छे-अच्छे सुझाव दिए, मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि करीबन इसमें 57 माननीय सदस्यों ने लगभग 20 घंटे तक भाग लेकर और बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा की, उसके लिए मैं उन सबको सब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद भी उनको देती हूँ कि राज्य सरकार के कार्यक्रम में आप लोगों ने जो नीतियों में कमी निकाली, मैं उन सब सुझावों को सकारात्मक रूप से लेके उनको समावेश करने की कोशिश करके और उन कमियों को दूर करने की मैं कोशिश करूंगी, जो कमी मैं समझती हूं और हम लोग सब समझते हैं कि जनता के सामने आती है और ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी ये कहा था कि हमारी सोच विचारधारा वो जनता से हमारे संवाद से निकल के आई है, हमारी कार्यक्रम और नीतियों को उससे तय किया गया है। और मैं थोड़ा सा आप आज के सदन में आज सदन के सामने यही रखना चाहूंगी कि थोड़ा सा लगता है फर्क है हमारी और आपकी सोच में, मैं उसको आपके सामने कुछ टिप्पणी करना चाहूंगी। आपकी सोच पिछले कार्यकाल में आप लोगों ने पहले से हम लोगों को चिन्हित कर लिया था, तय कर लिया था कि बदले की भावना के साथ आप पूरी तरह से खिलाफत करोगे। आपने ये इसलिए तय कर लिया था क्योंकि आपने ये सोचा कि सत्ता की लड़ाई में 5 साल बाद ये लोग फिर वापस आएंगे तो उनको वहीं कुचल के रख दो, सत्ता माने उसमें फिर लड़ाई में आ ही ना पाए ऐसी उनकी परिस्थिति कर दो। मूल भावना क्या थी कि विपक्ष को गलत आरोप में फंसाना, मनगढ़ंत बातें जनता के सामने लाने की कोशिश करना, व्यक्तिगत आरोप में कोई कमी नहीं छोड़ी, व्यक्तिगत आरोप लगाना और कोशिश ये करना कि किस तरीके से हमारा ऑपोजिशन बिल्कुल ध्वस्त हो जाए। इसी सोच से प्रेरित होकर आप लोगों ने माथुर कमीशन को खड़ा किया, अंत में उसका क्या हाश हुआ वो आप सब जानते हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको उस माथुर आयोग को खारिज कर दिया। पर जो सोच आपकी थी वो स्पष्ट निकल के हमारे ही सामने नहीं पूरी जनता के सामने आई और इसलिए जो रिजल्ट था वो आप लोगों ने देख लिया। हमारी सोच क्या थी, हमने कहा कि बदले की भावना से हम लोग किसी के खिलाफ काम नहीं करेंगे। जब मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, हमारे बड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई 20 दिसंबर को, तो मैंने प्रेजेंटेशन जब देते हुए उन लोगों को सबके सामने स्पष्ट यह किया कि जो भी प्रकरण है, जो भी शिकायत है, उसके गुण और अवगुण को पहले देखा जाए, उसका परीक्षण किया जाए एंड देन ओनली उसका एक्शन लिया जाए। माथुर आयोग जैसा कोई भी आयोग नहीं बनाएंगे, किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, परंतु हमारा मकसद था कि किसी को हम परेशान नहीं करेंगे, परंतु हाँ सच्चाई तक तो पहुंचने का काम हम करेंगे। और चुनाव के समय हमारी ओर से भी हमने बहुत सारे आरोप लगाए, कई आरोप लगाए, ब्लैक पेपर भी निकाला, पर जीतने के बाद हमने आयोग नहीं बिठाया, बिठाने की हमको जरूरत ही नहीं थी। हमने ये तय किया कि जो भी प्रकरण है उनको मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। अभी ये माइंस की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ये गोटन लाइमस्टोन माइंस के आवंटन का केस जिसके ऊपर बहुत सारा हल्ला मचा था, इस केस को हमने मेरिट्स पे आर्ग्यू किया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे स्टैंड को पूरी तरह से अपहोल्ड किया। देर जरूर हुई परंतु केस हम जीते और इसलिए इश्यूज तो हम लेंगे पूर्वाग्रह से नहीं बल्कि मेरिट पे लेंगे और यही माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजधर्म है, मैं यही आपको बताना चाहती हूँ। फिर आइए आप विजन पे, ये जरूरी है, शायद आप लोगों ने कभी किया ही नहीं है तो इसलिए आप उसको शायद अच्छी तरह समझते नहीं है, परंतु अगर कोई इकोनॉमिक्स करता है और विदेशों में भी कोई सेमिनार्स होते हैं या यहाँ भी बातें होती हैं तो आप लोगों को समझ में आएगी, जाओगे उसमें तो लॉन्ग टर्म विजन कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो अपन नी जर्क रिएक्शन करके काम करते हैं उसका नुकसान बहुत भारी होता है। एग्जाम्पल 80,000 करोड़ का जो भार आज आपके विद्युत कंपनियों को वहन करना पड़ रहा है। इसीलिए राजस्थान के लॉन्ग टर्म विकास के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारे राजस्थान का है उसके विकास के लिए आपने तो कभी अपनी सोच स्पष्ट नहीं की, और जब मैं आज सुन रही हूँ उससे मालूम हो गया कि क्यों नहीं स्पष्ट हो रही, क्योंकि है ही नहीं सोच उसके में। जब है ही नहीं सोच तो उसको स्पष्ट कैसे करेंगे, मीन में एक दूसरे के अंदर निकालने की तो आदत है और वो बहुत आसान भी है, पर
परंतु कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना मुश्किल काम है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जब कोई आदमी करता है तो उसके बाद उसको उसका विकल्प भी, उसका उपाय भी उसको देने की जरूरत है। लंबे अरसे से जिस पार्टी ने बागडोर संभाली है, आउट ऑफ व्हाट 68 इयर्स, 53 इयर्स तो इन्होंने चलाई है, मालूम नहीं राजस्थान को जिस तरीके से अब मैं सुन रही थी, मालूम नहीं चमन बन गया होना चाहिए था आज तक। 53 साल लगातार एक ही पार्टी को मिलना, ये किस पार्टी को मिलता है और कब मिलता है? परंतु एक पार्टी को मिला, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, अपने आप को मानते हैं और हम भी आपको आदर किसे देखते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, तो हम कुछ आपसे सीख भी सकेंगे। परंतु क्या आपके विकास का सोच है वो आज दिन तक जनता के सामने नहीं आए। मैंने अपने प्रेजेंटेशन में क्लियर डायरेक्शन देके अपना रोड मैप क्लियर कर दिया। प्रशासनिक ढांचे से वो दिशा जो हमने दी है, उनको जो दिशा दी है वो क्लियर हम लोगों ने सबके सामने रखा। ओरिएंटेशन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं है तो फिर कौन से रास्ते पे जाएंगे। आर्थिक आधारभूत संरचना जिसमें बिजली पानी और सड़क, सामाजिक आधारभूत संरचना जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, स्किल, रोजगार, इंडस्ट्री, अदर्स, ये महत्वपूर्ण है। पर इसके साथ साथ जो जनता की रोजमर्रा की जिंदगी के मुश्किलें हैं उसके ऊपर भी समयबद्ध तरीके से उनका किस तरीके से निराकरण हो वो भी बहुत ही आवश्यक है। और एक साइड को करके दूसरे साइड को अवॉइड करने का हमने कभी प्रयास नहीं किया, हमने ये कोशिश की है कि दोनों चीज़ों को सामने रख के, ध्यान में रख के उनको किस तरीके से आगे लिया जाए वो हमने निरंतर प्रयास किए हैं। सो इसीलिए सरकार में आते ही सबसे पहले सरकार आपके द्वार भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर के अंदर हमने गया, कोशिश हम गए, हमने कोशिश की, सरकार को लेके गए, सब पूरे के पूरे अफसर से लेके मंत्री से लेके हम सब दिनों दिन वहाँ रह के हमने कोशिश की समझने की कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों वो तबका, वो ढांचा सही तरीके से जैसे चलना चाहिए नहीं चल रहा है, उसको समझने की हमने कोशिश की। राजस्थान संपर्क पोर्टल के अंदर 3 लाख से ज़्यादा लोगों को राहत हमने दिलवाई और वो इसके साथ ही चला। अपना जिला अपनी सरकार, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, नागौर, झालावाड़, मालूम नहीं कोई कह रहे थे कि शायद उन्होंने इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम बिल्कुल ही ख़त्म नहीं है, ये तो ऑनगोइंग प्रोग्राम है, ये तीनों साल, आने वाले तीनों साल के अंदर चलता ही रहेगा, क्योंकि ऐसे दौरे बहुत ज़रूरी हैं, इन्हीं दौरों के द्वारा हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि जनता की क्या स्थिति है, जनता चाहती क्या है और उसको किस तरीके से हम ज़मीन पर लाएँ, उसका भी वहाँ ही बातचीत हो जाती है। उस प्रोग्राम के अंदर हमारा आकस्मिक भ्रमण हो जाता है कहीं ना कहीं, अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हो जाती है, जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठक लेते हैं और उनसे बातचीत करके वहाँ की बात समझने की कोशिश करते हैं। जनसुनवाई सिर्फ बीजेपी ऑफिस में नहीं होती, ये तो गलतफहमी है आपकी, हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक अलग से कही है, परंतु जनता के बीच में जा जा के सुनते हैं और हजारों की तादाद में सुनते हैं और उनको उनका निवारण करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर जनता के बीच में हम नहीं जाएंगे तो जनता के चुने हुए व्यक्ति हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर नहीं जाएंगे तो फिर हमारा क्या काम होगा, इसी काम के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ हमने ये तय कर लिया कि कुछ कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनको आज के ज़माने में जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए 61 प्रिंसिपल्स एक्ट्स एंड 187 अमेंडमेंट एक्ट्स को हम लोगों ने निरस्त किया। 1 जनवरी 2015 को हमने तय किया कि शपथ पत्र की अब अनिवार्यता की ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी समाप्त कर दिया। न्याय आपके द्वार का कार्यक्रम 2 महीने के लिए हमने चालू किया, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और जिसके अंदर 21 लाख और 45,000 प्रकरण निस्तारित हुए, 61 पंचायत टोटली लिटिगेशन फ्री हुई। इस कार्यक्रम को हम आने वाले तीनों सालों में चलाने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा पंचायत लिटिगेशन फ्री हो जाए उससे वहाँ की जनता को फायदा होता है। और जयपुर छोड़ना भी ज़रूरी है, सरकारें सिर्फ यहाँ जयपुर बैठे बैठे नहीं चलती, जाना पड़ेगा इस एयर कंडीशन के कमरे को छोड़ के वहाँ नीचे तक जाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, चाहे वो छोटे से छोटा गांव क्यों ना हो, कि वहाँ की परिस्थिति क्या है और उस परिस्थिति को हम किस तरीके से बदल सकते हैं। प्रशासनिक ढांचा वही है, कोई बदलाव नहीं है, वही लोग हैं, परंतु उसे सही दिशा देने पर उसके कितने सार्थक परिणाम आने लगे हैं वो आप मानो या ना मानो सब दूसरे लोग मानते हैं।
और इसीलिए हमारा ये विजन स्टेटमेंट बिल्कुल ही स्पष्ट है। और उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि आपने ये सुखराम माननीय विधायक सांचूर जिला जालोर से उन्होंने कहा था कि ये संभागों में क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जाएंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, जाने का काम ही है। हमारा तो काम ही है कि अगले 3 सालों के अंदर हम हर संभाग को, हर डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा जो विजन स्टेटमेंट है वो कहता है कि अ हेल्थी, एजुकेटेड, जेंडर सेंसिटिव, प्रॉस्परस एंड स्माइलिंग राजस्थान विद अ वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दो तो सबका साथ सबका विकास, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की मूल भावना है और वो हम लोग सब तक यही भावना को लेके हम लोग भी जा रहे हैं। 36 के 36 कौम को लेके चलने का काम, सब लोगों को, पूरे राजस्थान को झगड़े से तोड़फोड़ करने का नहीं परंतु प्यार से सबको जोड़ने का काम। विजन स्टेटमेंट इसलिए बनाई हमने गई है कि भाई इस तरीके से आगे आने वाले समय के अंदर राजस्थान को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, नए राजस्थान का किस तरह से हम निर्माण कर सकें, और इसके सतत प्रयास हम लोग अभी भी कर रहे हैं। इधर से थोड़ा सा फर्क है सोच में, ये सोच की बात मैं कर रही हूँ, सोच के थोड़ा सा फर्क है। आपके और जनता के बीच में एक अजीब सा अलग सा रिश्ता है, दाता और याचक। आप दाता, जनता याचक, और इसी तरीके का व्यवहार होता है। आप कभी जाके पूछते हो कि भाई आपकी ज़रूरत क्या है, हमको क्या करने की ज़रूरत है, हम क्या लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, आपने तय कर लिया कि फलाने एमएलए ने कह दिया या फलाना राजनीतिक सोच ये कहता है, और वहाँ आप लोगों ने बिना सोच के, चाहे वो नहर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो, विदाउट थिंकिंग वो लग जाता है। हमने जनता को अपना दाता माना है और उनको सहभागी बना के हमने अपना रोड मैप बनाया है। हमारे आपके लिए जो है वो राजनीति तो आपने सबसे ऊपर रख ली है। हमने ये तय किया है कि विकास में हम राजनीति नहीं करेंगे। आपने उस विकास के अंदर राजनीति किया, हम नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि हमारी राजनीति जो है वो विकास का एक माध्यम है, उसको हम यूज़ करेंगे विकास के लिए। लोगों के सपने जो हैं उनको हम साकार करने की कोशिश करेंगे और उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशहाली लाने की कोशिश करेंगे। ये है हम लोगों का सपना, और सेवा ही उसका माध्यम है, राज नहीं। हम जनता को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और मुझे तो ये लगता है, मुझे लगता है सब लोग मेरे से ये अग्री करेंगे कि जनता को सशक्त नहीं कमजोर बनाने का आपका सोच, दिस इज द डिफरेंस। नाउ जॉन केनेडी, अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने कहा, America does not have great roads because it is a great country. He said it is a great country because it has great roads. यहाँ भी विजन की कमी। जूलिया बर्ड एंड स्टीफन स्ट्रॉब ने मई 2014 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, इट्स कॉल्ड द ब्रेजिलिया एक्सपेरिमेंट, एंड इट इज टू डू विद रोड एक्सेस एंड द स्पेशल प्लान पैटर्न ऑफ लॉन्ग टर्म लोकल डेवलपमेंट इन ब्राजील। And they say that over the period, roads are shown to account for 0.5% GDP growth and to spur a significant decrease in spatial equality. तो अगर अपन assume करते हैं कि 7,67,000 crore अपना GDP है, तो 0.5% उसका समझो 4,000 crore की बढ़ोतरी हो सकती है, that is the difference. इसीलिए इसके अंदर भी आपको बहुत सोच की ज़रूरत है। सोच की ये ज़रूरत है कि हमारा ये प्रदेश है, हमारे इस प्रदेश को, ये रोड्स को हम किस तरीके से बनाएं, ग्रामीण इकोनॉमी को किस तरीके से स्टेट की इकोनॉमी के साथ हम जोड़ें, एक कोने को दूसरे कोने से, तीसरे कोने को चौथे कोने से किस तरीके से जोड़ें, और किस तरीके से कम्युनिकेशन की बेटर नेटवर्क को ठीक कराने की और तैयार करने की हम कोशिश करें। सो इसी दिशा में आपने देखा होगा कि पहले हमने नॉर्थ साउथ मेगा हाईवे का निर्माण किया था, अब हम ईस्ट वेस्ट मेगा हाईवे का निर्माण करने जा रहे हैं। और हमारा ये डिस्टिंक्ट सोच है कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण गौरव पथ, मिसिंग लिंक्स, ये हमारे रूरल इकोनॉमी को किस तरीके से ओपन अप कर सकती हैं और इनको एक दूसरे से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है ताकि दे मेक अ कोहेसिव होल, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। साथ साथ ज़रूरत पड़ी कि स्टेट हाईवेज अथॉरिटी का गठन होना चाहिए, तो उसका भी गठन अब हो गया। एक छोटा सा मेरे पास टेबल है जिसमें मैंने देख रही थी, आप कह रहे थे कि आपने इतना सारा काम किया आपके 5 वर्षों के अंदर, तो मैं भी देख रही थी कि होगा,
आपको मैंने इतना समय मिला, 5 साल मिले तो आपने क्या ही होगा। तो मैंने देखा कि राज्य राजमार्ग और जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण नवीनीकरण के ऊपर जो व्यय हुआ आपके टाइम में वो 2 वर्षों के अंदर 1000 करोड़ रुपया और हमारे 2 वर्षों के अंदर 2900 करोड़ रुपया। फिर राजमार्ग और जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण जो हुआ किलोमीटर्स में 4000 करोड़ तो हमने किए, आपने 2000 करोड़ किए। धार्मिक स्थल से आप लोग सब जुड़े हुए हैं तो आपने धार्मिक स्थल का कुछ तो किया ही होगा, हम देख रहे थे। धार्मिक स्थलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम हमने 1282 जोड़े, आपने अपने 2 साल के अंदर 174 मुश्किल से जोड़े हैं और 5 साल के अंदर बड़ी मुश्किल से धक्का देके आपने 563। तो 2 साल में हमने जितने बनाए हैं उतने ये समझ के चलिए कि आपने अपने 5 साल में भी नहीं बनाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें बनी उसमें हमने इन 2 साल के अंदर 6319 किए हैं, आपने 1711 अपने टाइम में किए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों को गांव और ढाणी की आप बहुत चिंता कर रहे थे अभी, तो ढाणियों को जोड़ने का जो काम था उसे मैंने देखा तो 2200 तो हमने 2 साल के अंदर कर लिए हैं, आपने 2 साल के अंदर 526 किए ढाणियों को और पूरे समय के अंदर 5 साल के अंदर 1638, माने हमारे 2 साल से भी कम। ढाणी की बहुत चिंता कर रहे थे आप, ये क्या है? इससे आप लोग सब अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कोई मतलब नहीं है, इससे आप लोग सब अनुमान लगा सकते हैं कि विजन उसके साथ ओरिएंटेशन, उसके साथ रोड मैप, इनको सबको तैयार करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमें को मालूम तो हो हम किस रास्ते में जा रहे हैं। बिना सोच के कोई भी काम नहीं हो सकता और प्रदेश तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ग्रामीण विकास के अंदर भी हम सोच देख रहे थे, आपका सोच वहीं के वहीं। राजनैतिक नुकसान न हो इसलिए पंचायतों का पुनर्गठन अपने को करना ही नहीं। फिर प्रशासनिक इकाइयों का भी गठन नहीं करना क्योंकि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था देने की हमने सोची नहीं है। तो जब हम लोगों ने हमारे पास आए तो हमने सोचा कि भाई ये तो जितने बड़े हो गए हैं इनको नए पंचायतों का करना ही है, तो नए पंचायतों का पुनर्गठन किया, 47 नई पंचायत समिति बनी और 723 नई ग्राम पंचायतें। आपने तो ये सोचा था कि गरीबी का ऊपर से किस तरीके से उपचार लीपापोती करके ट्रीटमेंट करके अपन ऊपर से कर दें ख़त्म। हमारी सोच थी कि गरीबी का उन्मूलन हो जड़ तक पहुंच के, उसको जो भी बुराइयां हैं जो भी खराबियां हैं उनको जड़ से किस तरीके से उखाड़ा जाए, राजस्थान को किस तरीके से समृद्ध बना जाए ताकि सभी आदमी को प्रगति का कुछ लाभ मिले, ये रास्ते पे हम लोग चल रहे थे। द आइडिया हियर सर इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द केक, नॉट टू मेक स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेज ऑफ ऑलरेडी स्मॉल केक, दैट वॉज द होल आइडिया। यही है सोच का फर्क। हमने बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को भी इसके अंदर जोड़ा, मुझे लगता है कि इसमें ही शायद केस भी किया ना, हाँ केस भी हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु अब कोर्ट ने तो उसको पूरी तरह से अपने उसमें रूलिंग कर दी। बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को हमने चुनाव के साथ जोड़ा, इससे हमारे जो युवा शक्ति है उनको प्रोत्साहन मिला, ये हम सोचते हैं। प्रदेश में 9,894 सरपंच बने, उसमें 63.43% सरपंच 35 वर्ष या उससे कम के चुने गए फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर टोटल लें अपन जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, तो करीबन 16,981 मीनिंग 68.2% 35 वर्ष की आयु से कम है। आप ये समझिए कि कितना बड़ा चेंज, कितना बड़ा सोच के अंदर चेंज ये इस चुनाव के द्वारा हम लोगों को देखने को मिला है। आपने देखिए इसको अपन दो किस्म से देख सकते हैं, यू कैन आइदर लुक एट इट एज अ थ्रेट और यू कैन लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। आप लोगों ने इसको थ्रेट के रूप में देखा क्योंकि ढर्रा चला आ रहा है, ये अपन इनको जानते हैं, अपने काका, अपने चाचा, अपने दादा, वो से चलता आ रहा है। आपको चेंज नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप चेंज कराते हो, कोई चेंज हो जाता है तो उस चेंज के अंदर कांग्रेस के क्या सोच होगी उनके बारे में, वो उसके बारे में आपको चिंता है। नेचुरली
आज फेसबुक से जुड़े हुए लोग, आज इंटर आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग, नई सोच के साथ जुड़े हुए लोग, वो थोड़ी वो पुराने ढर्रे में रहेंगे। तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने क्यों उसको थ्रेट में देखा, परंतु हमने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। हो सकता है कि वो हमारे लिए भी थ्रेट हो, परंतु प्रदेश के लिए वो अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए प्रदेश को पहले रखते हुए उस अपॉर्चुनिटी को हमने सामने रखने की कोशिश की। अब मैं आपको एक इसी में एक छोटी सी मैंने बात ही बता दूं, मैं जब फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ने जा रही थी, और मैंने इनफैक्ट लड़ चुकी थी सेकंड टाइम जब जा रही थी, तो लोगों के बीच में जब मैं गई तो मैं उनको पूछा करती थी उनके खाट पे बैठ के, उनके गांव में बैठ के, कि भाई कितने हैंडपम्प हैं, बिजली है या नहीं। जो पुराने वहाँ के MLA थे वो मेरे पास आए, चाय पी मेरे साथ, हम लोग बातचीत करा करते थे। उन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई आप ये सब बातें क्यों उठा रहे हो, ये कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम देगी आगे चल के, आपको चुनाव हारना पड़ेगा, ये सब चीज़ें अपने को उठानी ही नहीं है, ये तो जैसे ढर्रा चलता है चलने दो, ये है आइडिया, यही है सोच। हमने उसमें ये कहा कि नहीं, इस क्षेत्र को मुझे आगे बढ़ाना है, आई टेक द रिस्क, हो सकता है मैं हार भी जाऊँगी, परंतु ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम हम करें। इस पुराने ढर्रे से हम चलते रहेंगे तो हम कभी इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और हमने वो रिस्क लिया। हम हारे भी, पहले भैरव सिंह जी को जिताया उसके बाद हारे भी, परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि उसके बाद उन लोगों के माइंड्स भी खुले, और माइंड खुलने के बाद लोग आगे बढ़ने लगे, और हम समझते हैं कि यही चीज़ हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर होना है। इसलिए ये चेंजेस इनएविटेबल तो है ही हैं, परंतु हम लोगों को भी मिलकर उनको लाने की ज़रूरत है। पंचायत राज के हर कैंडिडेट के ऊपर हमने ये कहा कि भाई आपके एक कार्यशील स्वच्छ शौचालय की अनिवार्यता है, और साथ में खुले में सोच नहीं करने की अनिवार्यता है, ये दोनों चीज़ आपके होना, ये सोच इसके पीछे था कि गांव स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। रिजल्ट इसका ये हुआ कि बीकानेर खुले सोच में पूरी तरह से मुक्त हुआ जिला, फर्स्ट इन राजस्थान, एक पूरी कतार में खड़े हुए लोग, और भी डिस्ट्रिक्ट हैं कि वो भी इस काम को कर लेंगे, और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण में राजस्थान देश भर में प्रथम आया। मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। आज अटल सेवा केंद्र जो सब बंद पड़े हुए थे वो सब चल पड़े हैं, अब ई मित्रा उनके साथ उनके कियोस्क वहाँ लग गए हैं, माइक्रो ATMs भी वहाँ चल रहे हैं। अटल सेवा केंद्र को हम लोगों ने एक रूरल IT हब के अंदर विकसित करने की कोशिश की है। आइडिया इज टू टेक द रूरल इंडिया टुवर्ड्स अ नॉलेज इकोनॉमी, और ये बहुत ज़रूरी है। ये डिवाइड जो है, उस डिवाइड को ब्रिज करने का गैप, ये आपके और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। हमारी सोच तो ये थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े, और इसके लिए जब हमने स्टडीज़ को देखा तो स्टडीज़ ने बताया, और ये ज़रूर इंटरेस्टिंग है, कि फिक्स्ड टेलीफोन लाइन की जो डेंसिटी में 10% अगर वृद्धि हो जाती है तो GDP में 0.5% वृद्धि होती है। अगर मोबाइल डेंसिटी 10% की उसकी वृद्धि होती है तो GDP में 0.7% वृद्धि होती है, और ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन के अंदर अगर 10% वृद्धि होती है तो GDP में 1.3% वृद्धि का मतलब ऑलमोस्ट 10,000 crores GDP बढ़ जाएगी। जस्ट इमेजिन द डिफरेंस। तो ये ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के साथ सब लोगों को, खाली कुछ प्रिविलेज लोगों को नहीं, परंतु सब लोगों को जोड़ने का काम अपने को करना चाहिए। राजस्थान के अंदर हम इस कोशिश में हैं कि इंडिया और भारत के बीच की जो दूरी है उसको हम पूरी तरह से कम करें, ये हमारी सोच है। अब आप पैदल पे आ जाइए, उसके बारे में बहुत सुना है अभी आपने, कहा नारा था पानी बचाओ, नारा ही नारा रह गया। जब अपन कह रहे हैं पानी बचाओ तो उसके लिए अपने कुछ करने की ज़रूरत है, खाली नारा सब दीवारों के ऊपर लिख के, बैग स्कूल बैग्स के ऊपर लिख के, बसों के ऊपर लिख के काम थोड़ी हो जाता है। हमारी सोच थी कि पेयजल में हमारा प्रदेश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए, सतही जल का संग्रहण बढ़े, भूजल का स्तर ऊपर आए, पेयजल के दुरुपयोग के ऊपर अंकुश लगे, और खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव के अंदर रहे, ऐसी परिस्थिति हम कैसे ला सकते हैं, ये हमारा सबका एक समग्र सोच था। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई,
फोर वाटर कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट, उसके अंदर 351 माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, 195 चेक डैम्स, एंड ये भी आफ्टर अ प्रॉपर सर्वे, इसका पूरा सर्वे करके और उसके इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स क्या थी उन सबको स्टडी करने के बाद हमने इनको पूरा किया। उसके बाद 32 वाटर बॉडीज का रेनोवेशन करवाया, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, पाली है, जोधपुर है, जालोर है, धौलपुर है, करौली है, बूंदी है, और ये जो भी अचीवमेंट्स हैं ये ओवर एंड अबव व्हाट मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंदर हम लोगों ने किया है, उसके ओवर एंड अबव। अब ये पेयजल की योजनाओं के ऊपर वही बात, कितना कुल व्यय हुआ, गत सरकार के टाइम में 3780 करोड़ और ये दो वर्षों के अंदर 8560 करोड़ का काम हम लोगों ने, हमने इतना पैसा खर्च किया। बृहत परियोजनाओं से जो लाभान्वित, फिर अगेन आए ढाणी, 1370 तो हमने किए दो साल के अंदर, आपने दो साल के अंदर 290 किए और आपने अपने पूरे पांच साल के अंदर 914 किए। फिर यहाँ बैठ के आज इतना सा भाषण सुनने के बाद मेरे को लगा कि जरूरी है कि कभी कभी अपने को सब किताबें पढ़ के पता कर लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है। और ये सब हमने काम वो किया है जब जर्जराई हालत के अंदर हमको ये अर्थव्यवस्था जो आपने हमको सौंपी वो अर्थव्यवस्था मिली। जाते जाते मजे में 20,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ आराम से ऐसी परियोजनाओं को बिना वित्तीय सैंक्शंस के आप लोगों ने स्वीकृत करके और आराम से निकल गए। बहुत आसान है इलेक्शन के पहले ये सब करना, बहुत आसान है क्योंकि आपको मालूम था हम वापस नहीं आएंगे, तो आप ये सब लोड हम लोगों के ऊपर छोड़ दो। और मालूम होता कि वापस शायद आने की कोई भी एक, मैंने 1% चांस है, तो शायद आप ये सब तब करते नहीं। पेट्रोलियम का पैसा आज 2000 करोड़ हमको मिलता है क्योंकि मंदी की वजह से जो 6000 करोड़ मिला करता था वो अब 2000 करोड़ हो गया। इस सब के बाद हम लोगों ने इतना सारा काम करके दो साल के अंदर दिया है, आपको भले ही दिखाई नहीं दे रहा हो, जनता को तो दिखाई देता है। याद रखें कि ये राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा भूभाग 10%, सबसे कम पानी 1%, और इसके बारे में अगर हम खाली एनीकट लगाएं या बड़ा डैम बनाएं तो ये कोई काम आते नहीं है। इसीलिए ज़रूरी था कि एक अभियान के रूप में एक जल स्वावलंबन योजना हम लोग छेड़े। तो 27 जनवरी को हमने एक नई और अनूठी पहल सबके सामने रखी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये एक दिन का सोच नहीं था, 6 महीने इसके लिए हम लोगों ने प्रिपेयर किया, हमने दूसरे स्टेट से बात की, हमने विशेषज्ञों को बुलाया, हमने वहाँ जाके कॉन्टूरिंग देखा, वो सब करने के बाद उसकी इंजीनियरिंग पॉसिबिलिटीज़ देखी और उसके बाद विस्तृत उसकी परियोजना की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर फिर कार्यों की लिस्ट बनाई और उसके बाद लोगों से बातचीत की, एनजीओ से बातचीत की, मीडिया से बातचीत की, रिलीजियस हेड से बातचीत की, ट्रस्ट से बातचीत की, इंडस्ट्री से बातचीत की, सिविल सोसाइटी से बातचीत की और साथ में जनता से बातचीत की। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने इस काम को चालू किया, सब लोग बैठे हुए हैं, कितने जोर शोर से और कितने खुशी से, कितने खुलकर जनता ने हम लोगों का साथ दिया और इतने छोटे से समय के अंदर 27 जनवरी, आज 4th of March, इन दिस स्मॉल पीरियड आप ये समझिए 3009 कार्य हमने पूर्ण कर लिए हैं। ये हमने नहीं किए, सब लोगों ने मिलके ये काम जो किया है ये एक बहुत बड़ा काम है, ये हम इसका मैंने पूरा श्रेय नहीं ले सकते, सब लोगों ने मिलकर किया है। मैं उनको सबको धन्यवाद यहाँ देना चाहती हूँ, सब लोगों को जिन्होंने नगद दिए, जिन्होंने सामग्री दी, जिन्होंने मशीनरी दी और जिन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय हम लोगों को सहयोग और समय हम लोगों को प्रदान किया। ये भी उसी सोच का काम है कि सतही जल के मामले में हम लोग किस तरीके से आत्मनिर्भर बन जाए, कि सुनियोजित रूप से हम कौन से कार्य और कैसे कैसे कार्य अपने हाथ में ले लें ताकि भूजल बढ़े, रिवर बेसन्स एक दूसरे के साथ जुड़ें। अपने यहाँ जो हैं, जो हमने 8 रिवर बेसन्स की बात की थी, वैसे और भी हैं परंतु 8 मेन हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जो माही है, चंबल है, लूनी है, बनास, वेस्ट बनास, सुकली, गंभीर, पार्वती बेसन्स, जहाँ से हमारी नदियाँ निकलती हैं वो आगे चल के किस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगी, सूखी हुई नदी नाले किस तरीके से पुनर्जीवित होंगे और आगे चल के नदी से नदी किस तरीके से जुड़ेगी, ये सोच है,
ये खाली वन ऑफ नहीं है कि भाई यहाँ हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी, चलो वहाँ ले दो, वहाँ दे दो। सब जितना भी रिसोर्सेज थे उसका देख के, उसका मूल्यांकन करके, दूसरे के रिसोर्सेज उसके साथ जोड़ के, मैन डेज उसके साथ, मशीनरी उसके साथ जोड़ के, आइडियाज़ उसके साथ लेके, ये 3,500 गाँव का हम लोगों ने लिस्ट बनाया जहाँ जहाँ ये कार्य हो रहे हैं। अगले साल वो 6,000 हो जाएंगे, उसके बाद 6,000 हो जाएंगे। ये 4 साल के अंदर हम लोग 21,000 ऐसे काम को पूरा करना चाहते हैं। और इसका जन आंदोलन आगे चल के मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए एक वरदान साबित होगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि दलगत राजनीति के ऊपर उठ के सब लोगों ने साथ दिया, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी मजहब का हो और कोई भी पार्टी का हो। मैं बार बार कहती हूँ और डिस्ट्रिक्ट से भी कहती हूँ, माने सदस्य सब बैठे हुए हैं, मैं सबको कहना चाहती हूँ, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, हम सबका प्रोग्राम है। आप उस पर जुड़ेंगे तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। आपको आना चाहिए क्योंकि आगे चल के लोग आपको याद करेंगे और कहेंगे कि पार्टीज वगैरह सबको अलग करके हमारी कठिनाई को देखते हुए सब पार्टीज ने एक होकर ये इतना बड़ा काम किया। और मैं समझती हूँ कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। सरफेस वाटर को हम लोग संग्रहित कर लेंगे, ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज कर लेंगे। जो ब्लॉक्स आज डार्क जोन कहलाए जाते हैं और एक के बाद एक डार्क जोन होते जा रहे हैं, ये डार्क जोन से कल बाहर निकल के आएंगे तो इससे बड़ा काम मैं समझती हूँ, इतना बड़ा पुण्य का काम आप लोग क्या करोगे। तो मैंने एक बार और चीज़ देखी है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक लंबा जेस्टेशन पीरियड हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता है कितना पैसा क्या खर्च होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है। रिलीफ पहुंचने में भी बहुत कम समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लार्जर बेनिफिट्स हम लोगों को दे देते हैं। तो मैं वो देख ही रही थी कि उसमें क्या लिस्ट निकाली मैंने, तो मैं देखा कि भंवर सेमला इरिगेशन प्रोजेक्ट 85 में शुरू हुआ, 31 साल हो गए 3 करोड़ से शुरू होके आज 40 करोड़ पे आके रुका हुआ। मैंने आप ये समझिए कि कहाँ क्या उधर हो रहा होगा, क्यों नहीं पहुंचा। अगर वो जनता को मिलने नहीं वाला है तो ऐसा प्रोजेक्ट बना के पैसा खर्च करके वेस्ट करके क्या मतलब रहा। इस तरीके से अभी अभी छापी का फर्स्ट फेज खत्म हुआ है। छापी के अंदर हम लोगों ने 1981 के अंदर चालू किया, 24 साल हो गए और 5 करोड़ का काम था। आज ये समझिए 236 ऑलमोस्ट 300 करोड़ का तो एक वो हुआ है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मान सदस्य अभी आपको ये समझिए सेकेंड फेज शुरू होना है। एमडी इरिगेशन प्रोजेक्ट 16 ईयर्स, वैसा इरिगेशन प्रोजेक्ट जोधपुर में 39 ईयर्स। भाई क्या है इस तरीके के, अगर अपन काम करेंगे तो पैसा तो ना आप देख पाओगे लगते हुए, ना वो गांव के लोग जो हैं वो देखेंगे, उनकी पीढ़ियां नहीं देखेंगी। मैं तो समझती हूँ कि थर्ड जनरेशन ने भी देखा नहीं होगा जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। एलिवेटेड रोड दुर्गापुरा का हमने 2000 मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदन की नेता का वक्त पूरा होने तक बढ़ाए। धन्यवाद। प्रस्ताव पास होने तक। हाँ धन्यवाद। प्रस्ताव पारित होने तक बढ़ाया जाता है। दुर्गापुरा एलिवेटेड रोड की बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। 2007 में शुरू हुआ था, आज करीबन 9 वर्ष हो गए हैं। 38 करोड़ के लागत से हमने उसको चालू किया था, आज 80 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगने जा रहा है और वो कंप्लीट हुआ तो हमारे समय में हुआ तो हो जाता पहले भी। ऐसे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और मेरा ये कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट्स इसलिए अपने को हाथ में नहीं लेने चाहिए, अगर छोटे प्रोजेक्ट हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को फटाफट कर लेना चाहिए, उसका फ़ायदा जनता को जल्दी मिलेगा। एक और नई बात हम लोगों ने शुरू की है, वो है ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड। एक नेशनल ग्रिड है, इसको पूरे राजस्थान के ऊपर अगर अपन फैला देते हैं तो कम पैसे से जल्दी पेयजल संकट से जो गांव ग्रसित है वहां तक पानी कैसे पहुंचाया जाता है वो सिस्टम से अपन पता कर सकते हैं। ये हमारी सोच है। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये सोच नहीं होगा और ये सोच नहीं होगा तो अपन काम नहीं कर पाएंगे। और मैं समझती हूँ कि ये हमारे सब के लिए ज़रूरी है। अब ऊर्जा के अंदर मुझे समझ में नहीं आता है कि माननीय हमारे सामने बैठे हुए सदस्य किस तरीके से ऊर्जा के बारे में बोल भी सकते हैं, क्योंकि इतना सारा भार इस ऊर्जा के कंपनीज के ऊपर डालने के बाद, विद्युत का तहस नहस करने के बाद कैसे पूछते हैं हम लोगों से, मुझे समझ में नहीं आता।
ये तो सोच की कमी है कि विद्युत कंपनियों के ऊपर कर्ज आज 15,000 करोड़ से बढ़ा के 80,000 करोड़ तक पहुंचा दिया, और हमसे पूछ रहे हैं कि अब तो ये 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा तो होने ही वाला है, वो तो धीरे 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 उसको कैसे नीचे लाएंगे, वो हमारे लिए कितना कठिन होगा, वो मैं अभी आप लोगों के सामने बताना चाहूँगी। विद्युत तंत्र के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ, छीजत कैसे रोका जाएगा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारा क्या सोच था, हमने कहा कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र के अंदर संस्थागत सुधार होना चाहिए, प्रदेशवासियों को किस तरीके से सुदृढ़ विद्युत तंत्र मिले उसके बारे में हमने सोचा, 24 घंटे बिजली किस तरीके से देखें दे सके उसके बारे में हमने सोचने की कोशिश की। सुधार हमने ये किया कि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का गठन किया, इसके द्वारा सस्ती दरों पर बिजली खरीदने का विद्युत कंपनी का बेटर कोऑर्डिनेशन हो उसके लिए उसको खड़ा किया। राजस्थान विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का गठन किया कि बाजार से, आज तक तो ये कंपनीज निर्भर है कम्प्लीटली सरकार के ऊपर, अब उनको ये फ्रीडम देके कि इफ़ यू वांट टू गो बाजार में जाके बाजार में ऋण लेना है, उनके अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, बार बार सरकार के ऊपर आ जाते हैं, उससे कैसे बाजार तक जाएं, उसके लिए राजस्थान विद्युत वितरण वित्त निगम कंपनी का हम लोगों ने गठन किया। अधिकारी और कर्मचारियों की अच्छी मॉनिटरिंग, अकाउंट ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो ज़रूरी हैं ताकि उससे आप मूल्यांकन हो सके। दोषियों के ऊपर कार्रवाई कैसे करना है इसका काम करने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डिनेंस ये हम लोगों ने खड़ा किया है। अब इतना सारा फाइनेंशियल स्ट्रेस के बावजूद हमने ये देखा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफर किया कि उदय प्रोग्राम को आप लेके 2/3 ऑफ दिस डेट जो आपके कंपनीज के है उसको आप अपने बजट के ऊपर ले लीजिए, अब आप समझ सकते हो कि कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर कितना दुखी होता है जब उसको 40,000 करोड़ रुपया अपने बजट के ऊपर लेना पड़ता है, तो कितना कम स्पेस रह जाता है दूसरे काम के लिए। बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी शायद, बट कुछ लोगों को मालूम है क्योंकि उन्होंने इसको चलाया है तो वो समझते हैं। मैं आपको ये सिर्फ इतना ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये समझिए कि कितना स्पेस कम होने के बाद कितनी करेज की ज़रूरत है कि कोई साहसी बन के वो अपने हाथ में लें। पर हमने ये कहा कि राजस्थान के लिए हमें करना पड़ेगा, हम अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, राजस्थान के लिए यहाँ खड़े हैं, और इसलिए हो सकता है कि हमको कठिनाई देखनी पड़ेगी और हमें सुनना पड़ेगा ये सब, क्योंकि इसके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, कैसे क्या कौन सी कंपनीज कैसे जाती है फील्ड के अंदर, क्या होता है, कैसे छीजत रोकना पड़ेगा, अगर छीजत नहीं रुकेगा तो पूरा का पूरा विद्युत तंत्र ही बैठ जाएगा, ये सब चीज़ों के ऊपर खाली एक जन नहीं हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पूरे राजस्थान का भला जुड़ा है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उसके बावजूद भी हम लोगों ने साहस करके उस उदय के नीचे हमने 40,000 करोड़ इस साल और अगले साल 20,000 करोड़ अपने बजट के ऊपर लेने का साहस किया है। ये कमिटमेंट है जनता को, और अगर मैं मानती हूँ कि आप सबने FRP ईमानदारी से लागू कर दी होती और वित्तीय संसाधन का अच्छा उपयोग किया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर आप टेक्निकल फॉल्ट्स कुछ जब आते हैं उनको छोड़ दीजिए तो 22 से 24 घंटे बिजली आपको घरेलू मिल रही और 6 से 7 घंटे कृषि हेतु बिजली मिल रही। नई सौर ऊर्जा नीति, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सोलर एनर्जी। राजस्थान प्रीमियर स्टेट हो गया है आज पूरे हिंदुस्तान में सौर ऊर्जा पे, और लोग दूर दूर से आ रहे हैं इसके हम लोगों के साथ इसमें करार करने के लिए। 8 अक्टूबर 2014 को हमारी नई सौर ऊर्जा नीति हुई और 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ हम आज देश में इस फील्ड में नंबर वन है। 24,000 मेगावाट्स के 5 सोलर प्लांट्स लग चुके हैं, इनके MOUs संपादित हो चुके हैं, और 26,000 मेगावाट के 4 सोलर पार्क्स खड़े हो रहे हैं, और 1,01,700 कृषि कनेक्शन हमने 2 साल के अंदर जारी कर दिए। अब वो तुलनात्मक विवरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। कुल उत्पादन क्षमता में जो वृद्धि हमारी हुई है, सरकार में आप 2 साल में जब थे तो आपने 2290 और हमने 4280, इतना फर्क है। और विद्युत कंपनी को जो आर्थिक सहायता, अब करा आपने वहीं गड़बड़ किया, नुकसान इसी सरकार के द्वारा हुआ और मदद
आपकी तरफ से 4,765 करोड़ रुपए तो आपने उनको दिए, हमारा नहीं है ये, तो हमको लेगेसी में मिला। और इतनी मुसीबत उस कंपनी की है उसको ठीक करने के लिए, उसको एक किस्म से बटरेस करने के लिए 23,637 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी 2 साल के अंदर हमने उनको दिया है। आप समझ सकते हो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर एनी फाइनेंस मिनिस्टर और एनी वन इन फाइनेंस टू गेट टू दिस स्टेज। तो शिक्षा पे आ जाएं, बहुत सारी बातें सुनने को मिली। यहाँ केनेडी साहब ने बोला था, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आवर प्रोग्रेस एज अ नेशन कैन बी नो स्विफ्टर देन आवर प्रोग्रेस इन एजुकेशन। द ह्यूमन माइंड इज आवर फंडामेंटल रिसोर्स। शिक्षा की क्वालिटी पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। और स्थानीय लोग क्या चाहते हैं शिक्षा के लिए, हम चाहते हैं क्या चाहते हैं, उनको सबको बिठा के सबसे बात करके जो वो चाहते हैं उनकी आवश्यकता पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर बेस्ट शिक्षक शैक्षणिक सुविधा जो है उसको किस तरीके से उपलब्ध किया जाए। बच्चों को हमने राजस्थान के भविष्य के रूप में देखा है, और शैक्षणिक स्तर पे राष्ट्रीय स्तर से राजस्थान को कैसे बेटर बनाया जाए उसकी तरफ हम लोगों ने ध्यान दिया है। इसलिए दिया है कि हमारे बच्चे आगे चल के सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं परंतु देश और विदेश के अंदर भी जाके काम कर सकें, एक ऐसी परिस्थिति बने, ये हमारा सोच था। और आपकी सोच ये है कि बिना टीचर बिना संसाधन राजनीतिक आधार पे, उसने बोला वहाँ प्राइमरी चाहिए, उसने बोला वहाँ मिडिल चाहिए, उसने बोला वहाँ सेकेंडरी चाहिए, आराम से कर दो, कोई नहीं। राजनीतिक आधार पे अपन ने पदस्थापन कर दिया अध्यापकों के, ना क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया, ना स्थानीय लोगों की आवश्यकता का पूछा, बच्चों का नहीं अपने खुद का फायदा देखा कि हमने यहाँ स्कूल लगा दिया तो हमको ये वोट मिल जाएंगे। अब हमने तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की एक परीक्षा का हमने कहा था रीट के द्वारा 2015 के द्वारा, बहुत ही सफलतापूर्वक हमने उसका आयोजन करके उसकी परीक्षा पूरी कर दी। आठवीं परीक्षा वो समझ में नहीं आता है, आठवीं परीक्षा नहीं होगी तो आप मैंने तय कैसे करोगे कि आगे जाने वाले और वहाँ तक आने वाले बच्चे क्या अप टू मार्क हैं कि नहीं। आठवीं कक्षा के लिए जब मैं गई थी दौरे पे TSP एरिया में, तो ट्राइबल लोगों ने मेरी गाड़ी को रोक के मेरे से ये कहा कि साहब ये बताइए, हमको तो लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है हमको बैकवर्ड रखने की कि आठवीं की परीक्षा नहीं करवा रहे। अब उनकी बात को सुन के आठवीं कक्षा के लिए बोर्ड एग्जाम हम लोगों ने पुनः लागू कर दिए, बिकॉज वी बिलीव मेरिट मस्ट बी रिवॉर्डेड। सोच करके प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई थी इसमें, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये अपने को कोशिश करना है कि अपन किस तरीके से स्कूल्स के माने जो है स्तर किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो ग्राम पंचायत में 1-12 के आदर्श विद्यालय अगर विकसित हो जाते हैं और उसके अंदर आपके प्रिंसिपल ऑल टीचर्स इंक्लूडिंग टीचर्स फॉर कंप्यूटर इंक्लूडिंग टीचर्स फॉर गेम्स अगर लग जाते हैं तो ऐसे 10,000 स्कूल आपके कंप्लीट राजस्थान के अंदर और हम हर ग्राम पंचायत के अंदर हो जाएंगे। हमने यहाँ कोई राजनीति नहीं की, हमने तो पूछा भी नहीं, हमने तो यूनिफॉर्म पॉलिसी लगा के और सब 10,000 के अंदर ये तय कर लिया कि 1-12 के स्कूल्स हम खड़ा करेंगे, ताकि जहाँ बच्चे स्कूल छोड़ के बाहर जा रहे थे वो सब फिर वापस अपने स्कूलों में आ जाएं और अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हम उनको दे सकें। और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि नई चीज़ भी लाना है, तो 290 विद्यालय अभी तो धीरे धीरे हम उसको स्केल अप करेंगे, पर अभी 290 में प्रोफेशनल कोर्सेज का संचालन हमने प्रारंभ कर दिया है। सो द रोड मैप इज़ वेरी क्लियर, और विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही हमने कह दिया कि भाई IT प्रोग्राम्स के साथ हम जोड़ें। खान अकेडमी बड़ी फेमस अकेडमी है, ऑनलाइन अकेडमी है, और हम लोगों ने उनके साथ प्रारंभिक चर्चा चालू कर दी है। उनके कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक्सेस कर पाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, वो सिलिकन वैली से चलता है और मैं समझती हूँ कि उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे बच्चों को मिलेगा। 5,35,000 बालिकाओं को साइकिल मिल गई हैं, 9-12 कक्षा की 20,000 बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर मिल गया है। उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दिया है और क्षेत्रीय आवश्यकता के अंदर 16 नए राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ हुए हैं, 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की स्वीकृति हुई है, और हर राजकीय महाविद्यालय में साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स की 25% सीटों को बढ़ाया, फलस्वरूप सम 26,000 सीट्स की बढ़ोतरी हुई है। गवर्नमेंट में कॉलेजेस के अंदर रोजगार की जानकारी देने के लिए रोजगार प्रकोष्ठ हमने तैयार किया है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पोकन इंग्लिश ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट ये IIT मुंबई के साथ हम लोगों ने MOU किया है।
डिजिटल राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज को यूजीसी के ई लाइब्रेरी के साथ जोड़ा है। 97,000 ई बुक, 6,000 जर्नल्स इनके अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हुई है। सो ये जो कुछ उपलब्धि मैंने आपको गिनाई है, ये सब हमारी सोच दर्शाती है। हम विद्यार्थियों को सिर्फ बुक लर्निंग से नहीं खड़ा करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो रोजगार और व्यवसाय के साथ जुड़ें, नए आईटी टेक्निक्स के साथ जुड़ें और इतने आत्मनिर्भर हो जाएं कि दुनिया में वो कहीं भी चले जाएं तो बेस्ट हों। इसको ध्यान में लेके हम लोगों ने ये सब प्रोग्राम चालू किए हैं। आगे चलकर आदर्श छात्र बने, इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है। अब राजकीय माध्यमिक विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन हमने 5,000 किए हैं। टोटल 9,894 में से 8,430 स्कूल के, माने ग्राम पंचायतों के अंदर अपने स्कूल्स खड़े हो गए हैं। बचे हैं करीबन 1,465, इनको आगे चल के हम अगले 2 साल के अंदर भी कंप्लीट करा देंगे। ये 2 साल की उपलब्धि है सर, और 5 वर्ष की उपलब्धि 310 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वो भी कोई पॉलिसी के तहत नहीं, बस पॉलिटिकल कंसिडरेशन, जहाँ हैं वो 310 ओनली। राजकीय विद्यालयों में नामांकन आज के दिन जो है, आपके 5 वर्ष के अंदर 4 लाख बच्चों की कमी हुई है और हमारे में 5.80 लाख की वृद्धि हुई है, मीनिंग ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चे हमारे स्कूल्स के अंदर बड़े हैं, जो छोड़ छोड़ के चले गए थे वो स्कूल्स के अंदर बढ़ोतरियां हुई हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य के अंदर हमारे और आपके सोच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। आप सोचते हो कि बीमार हो तो दवा दें, हम सोचते हैं बीमारी ना हो, हम ये कोशिश में लगे हैं। इन अदर वर्ड्स, वी लुक टू सी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कैसे प्रिवेंट कर दिया सके उसके लिए हम काम करते हैं। आरोप लगा कि निःशुल्क दवाई रोक दी, निःशुल्क जाँच बंद कर दी, परंतु सच्चाई ये है कि पिछले 5 वर्ष में सबसे ज़्यादा खर्च इन दोनों के ऊपर इस साल हुआ है, 360 करोड़ ऑन दिस। आरोग्य राजस्थान, राजस्थान आरोग्य हो, ये हमारी सोच है कि कोई भी बीमार ना हो, और इसके लिए अभियान के तहत 1,05,00,000 ग्रामीण परिवारों को घर घर जाके सर्वे करवाया है। अभी छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं हुआ, ये कार्यक्रम 1 अक्टूबर को शुरू हुआ, अभी भी चालू है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में ख़त्म होना है ना, आपके मार्च में ख़त्म है। 6 मंथ्स का पूरे राजस्थान के घर घर में ये जाके कार्यक्रम चलेगा। प्रत्येक पंचायत स्तर पर मेडिकल कैंप लगाकर बीमारी का निदान, 15 फरवरी तक 12,30,000 व्यक्तियों को सामान्य उपचार, 89,000 का उच्च शिक्षा संस्थान में रेफर्ड गंभीर बीमारियों का, और उनकी उपचार की व्यवस्था, में खाली रेफर ही नहीं किया, उनकी उपचार की व्यवस्था भी की। ई हेल्थ कार्ड के 42 लाख फैमिलीज, माने ई हेल्थ कार्ड बने उनके 42 लाख फैमिलीज में 10 लाख फैमिली ऑलरेडी भामाशाह से लिंक हो चुके हैं। कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण किया, ये पहले कभी नहीं हुआ, पहली दफा घर घर जाके कुपोषित बच्चे कितने राजस्थान के अंदर, विशेष ध्यान दिया 10 जिलों के अंदर, 3 उसमें जनजाति जिले भी थे, 10,000 कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण किया। और हम लोगों ने ये तय किया कि कुपोषण प्रबंधन का समुदाय आधारित चिकित्सा का प्रारंभ काम करें, और हम लोगों ने वो काम चालू कर दिया है, ये कभी आज दिन तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस डिपार्टमेंट को जिन्होंने इसका इतना बड़ा पूरे राजस्थान के अंदर काम करके और दिखा दिया कि हम आरोग्य राजस्थान चाहते हैं। हमारा जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव अप्रोच है, और आपकी जो अप्रोच है वो रिएक्टिव अप्रोच है। पंचायत स्तर पे अब हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट छेड़ा है, 3 A's, ANM, आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी, ये 3 जन अलग अलग प्रोग्राम्स आपके ज़माने में किया करते थे और इसकी वजह से ये तीनों प्रोग्राम्स असफल हुआ करते थे। ज़रूरी ये भी है कि भाई एक महिला कहीं जा रही है, अकेले जाती है तो सोचती है कि ऐसे टाइम में ना जाऊं, मेरे साथ कुछ हो जाए, तो जाती भी नहीं है, पर 3 महिलाएं एक साथ प्रोग्राम में निकलती हैं तो 7 चली जाती हैं, गांव पहुंचती हैं, बच्चों को, महिलाओं को उनका उपचार करती हैं, IMR, MMR को प्रभावी तरीके से संभालने की कोशिश करती हैं, और 3 अगर ठान लेती हैं कि हम इसमें चेंज करेंगे तो वो चेंज ला के छोड़ती हैं।
There is then a convergence of functions and functionaries, which is most important for everybody. The तीनों तो पहले भी काम कर रहे थे, आज आप देख लीजिए कि उनके काम में कितना फर्क हुआ है. Communities को better service मिल रहा है, और जहां हमने ये pilot project शुरू किए थे, उनको हम scale up करके अब राजस्थान के अंदर ले जाना चाहते हैं. Medical college में PG courses में सीटों की वृद्धि हुई है. College of physicians, क्योंकि सब दूर doctors का हाहाकार मचा हुआ है. ये हमारे टाइम में ही नहीं हुआ, ये पहले भी था, परंतु किसी ने प्रोएक्टिवली इसका काम नहीं किया. पर हम लोगों ने कॉलेज ऑफ फिजिशियन मुंबई के साथ अनुबंध करके 2 साल के डिप्लोमा कोर्स को इक्वल किया पीजी के साथ. स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स फॉर सीएचसीज, पीएचसीज एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए हमको ये मिल जाएंगे अब. और हमारे ये जो जगह हम लोगों को मैंने खाली मिल रही थी, वो कई जगह के ऊपर हमको डॉक्टर्स मिल जाएंगे. 6 नए मेडिकल कॉलेज चूरू, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर और पाली के अंदर खड़े हो रहे हैं. उनका कार्य प्रगति पर है, और मैं समझती हूँ कि इनका कोर्स 30 दिसंबर 2017 के कोर्स के अंदर वो शुरू हो जाएगा. रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान इस विभाग के अंदर भी 51 MOU मैंने आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, हर्बल, पंचकर्म, वेलनेस सेंटर, ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज को लेकर करीबन 51 ऐसे MOUs हुए थे जो आगे चल के हमको फायदा देंगी. अब जहाँ रोजगार और कौशल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, या आपकी सोच तो यह है कि भाई किस तरीके से उनकी निर्भरता हम पे पड़े, तो वो माई बाप अप्रोच कि अगर हम खुला छोड़ दें तो वो तो हमको छोड़ेंगे, पूछेंगे नहीं, पर वो माई बाप अप्रोच है, वो निर्भर हम पे हो जाएगा. इसको निकाल दिया जाए, मार उसको निकालो, क्या मतलब है, बार बार सोच है, जाइए निकालो इसको, निकालो इसको, नहीं धक्का नहीं, ये निकाल दो, आप जाइए, मैं कह रहा हूँ आपको, नहीं तो मुझे दूसरा प्रस्ताव लाना पड़ेगा, सस्पेंशन का चाहिए आप, तो मुझे सस्पेंशन का प्रस्ताव लाना पड़ेगा. हर समय बकवास कर देता है. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इसी के लायक थे वो. आपकी सोच है ये माई बाप के कल्चर को आगे ले जाना. हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान निर्भर, आत्मनिर्भर हों और एक सम्मान की जिंदगी जिए, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र के अंदर उनको नौकरी मिले या निजी क्षेत्र के अंदर उनको नौकरी मिले. और इसलिए हम लोगों ने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के डिपार्टमेंट का नाम बदल के लेबर एंड स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दिया. राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड तो हमारे समय से चल रहा था, आपके टाइम में भी था, परंतु उसके अंदर कोई एडिशन नहीं हुआ. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ये बहुत की डिपार्टमेंट है, नौजवान के भविष्य बनाने का डिपार्टमेंट है. कहाँ 4 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज वहाँ 1000 करोड़ का बजट हो चुका है, और बहुत बड़ा लोगों की जिंदगी को बदलने का काम वो कर रहा है. आज निजी ITI की संख्या की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 हो गया है, और स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना बहुत ही जल्दी अब होने जा रही है. आई थिंक दैट वी आर परहैप्स वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेट्स टू हैव अ स्किल यूनिवर्सिटी. और ये स्किल यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद अ सेंटर ऑफ एमिनेंस, ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट के कलेबोरेशन में चल रहा है, लगेगा. और ये रजिस्टर्ड सोसाइटी, ILD रजिस्टर्ड सोसाइटी है, और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक एंटिटी है. आफ्टर रिसर्जेंट राजस्थान का MOU, ILD ने KPMG को कंसल्टेंट इंगेज किया, और KPMG ने जो 6 फरवरी को ऑर्डर लेके और अपनी DPR 75 दिन के अंदर सबमिट करने का वादा किया. DPR हमारे पास अप्रैल के एंड तक आ जाएगा. इसमें कई अलग अलग किस्म के स्कूल होंगे, प्लास्टिक्स, मैकेनोट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा. एंड वंस हमारी DPR आ जाती है तो वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस काम में आ जाएगी. एक ग्लोबली रिनोन्ड फ्रेंच कंपनी है, Schneider,
उसने तय कर लिया है कि हम एक फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इन इलेक्ट्रिकल्स एंड आरई में वो करे काम करेंगे। हमने काम चालू कर दिया हमारी ड्राफ्ट बिल पे, हमारा ऑर्डिनेंस जून में निकल चलेगा और जुलाई अगस्त तक हम समझते हैं कि हमारा फर्स्ट बैच माने क्लास में आ जाएगा। इतने फास्ट मैं नहीं समझती हूँ कि कभी भी इस किस्म का यूनिवर्सिटी कभी खड़ा हुआ है। आज अगर आप देखेंगे तो प्रदेश में संचालित ITIs को और आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ उनका पार्टनरशिप किया है। सो टोयोटा, सैमसंग, कैटरपिलर, कैन एनर्जी, इन सब के साथ MOU करके उन्होंने काम चालू कर दिया है। ITEES सिंगापुर ने हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र के अंदर उदयपुर के अंदर काम चालू कर दिया है। ITE के पास बच्चों को बोर्ड माने जो पास करते हैं ITI को, वो ये समझिए जो बोर्ड पास करते हैं बच्चे उनके बराबर का दर्जा उनको मिल जाएगा। प्रदेश में हर जिले में निजी कंपनी ने किसी न किसी ITI के साथ साझेदारी की है और इसमें 1,09,700 युवा प्रशिक्षित होंगे। अभी हम मेरे को कह रहे थे कि 15 लाख का आपने अनाउंसमेंट किया था, आप चिंता बिल्कुल मत करिए क्योंकि 15 लाख का हमने अनाउंसमेंट किया है तो 15 लाख ही हम पूरा करके जाएंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगेंस्ट द 15 लाख सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र को दोनों को मिला के 6,03,490 नौकरियां ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। अब मैं इसको नहीं लेना चाहती, पर आपने उस सूची में रख दूंगी ताकि आप उसको देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। दो नहीं राजी नहीं, हम तो इसमें राजी नहीं है। ये जो है जो सच्चाई है वो सुन लो। रिसर्जेंट राजस्थान को 2007 में हमने किया था, अगर आप लोगों ने उसको चलाया होता तो उसका फायदा आप लोगों को भी मिल जाता, परंतु आपने उसके मोमेंटम को तोड़ा। और नेचुरली जब आपने उसके मोमेंटम को तोड़ा तो जो इन्वेस्टमेंट्स को राजस्थान के अंदर आना था उसके लिए लायक सरकार की ज़रूरत है, जो सरकार ही नहीं आएगी उसको मदद करने के लिए, तो वो भी पीछे हट गए। लोगों ने ये बाद में कहा, और आप इंडस्ट्री क्या बोलते हैं ग्रुप से पूछ भी सकते हैं, कि जब हमने देखा कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम लोग अपना अपना काम छोड़ के चले गए। अब रिसर्जेंट राजस्थान 2016 के अंदर वापस आए, 2 साल हमको लगे काम करने के लिए, क्योंकि ऐसा हाथ करके रिसर्जेंट राजस्थान नहीं होता है। रिसर्जेंट राजस्थान को अगर आपको करना है तो बहुत सारी चीज़ों को इन प्लेस डालने की ज़रूरत है, फ्रॉम टैक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू एवरीथिंग, फिर जाके रोड शोज करके लोग ऐसे फ्री में नहीं आ जाते। और इसीलिए जब आए और उन्होंने 3,35,000 करोड़ के MOUs हमारे साथ किए हैं, 311 MOUs साइन हुए हैं 2016 के अंदर, और ओनली सीरियस MOUs हमारे साथ साइन हुए हैं क्योंकि उनकी बड़ी स्क्रूटनी हुई है। हमने जो आया उसको यस करके साथ में नहीं ले लिया है, उसकी स्क्रूटनी हुई, उसकी क्रेडिबिलिटी देखी और उसके बाद ही उनको साथ में लिया। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 60% ऑफ द MOUs दैट हैव बीन साइंड ने अपनी जमीन को आइडेंटिफाई कर लिया है इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो बचे हैं वो भी आइडेंटिफाई अपना कर लेंगे। ये खुशी है कि एडवांस स्टेट्स वो खाली 40-45% MOU साइन करके जमीन पे ला पाए हैं। हम लोग इससे बहुत आगे चल चुके हैं और हमने फर्दर मॉनिटरिंग के लिए एक सेल का इंतजाम किया है जिसके अंदर हमारे ऑफिसर्स बैठेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जिनके परमिशंस मांगने की हमको ज़रूरत होती है वो लोग वहाँ बैठेंगे, उनको हम एम्पावर करेंगे ताकि उनको वापस आना जाना नहीं पड़ेगा और फाइल को इधर उधर चलने की ज़रूरत नहीं होगी, वहीं के वहीं हो जाएगा। इसलिए एक्चुअल सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर आपको देखना है तो मैं समझती हूँ कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आता है, इसे सब लोगों को मैंने चाहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़े ताकि एम्प्लॉयमेंट का अमाउंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये तो सबको चाहना चाहिए। कोई समझ में नहीं आता है कि उसके ऊपर अपन क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, अपन किस तरीके से उसको और माने सपोर्ट कर सके वो देखने की ज़रूरत है। आई थिंक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शुड वॉन्ट आवर सिटीजन्स टू सिक्योर जॉब्स। नाउ ये भी कहा, कौन ने क्या कहा, मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ। अरुण जेटली ने तो कहा, आप कहोगे वो तो आपके मंत्री हैं वो तो कहेंगे ही कहेंगे, इसलिए उनका नहीं पढ़ती। पर मैं साइरस मिस्ट्री चेयरमैन टाटा उनका कह देती हूँ, राजस्थान इज एट द वैनगार्ड ऑफ द मेनी चेंजेस दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग टू इन्हांस द ग्रोथ रेट। आनंद महिंद्रा
उनका भी नाम आपने सुना है. राजस्थान इज अ इजी प्लेस टू डू बिजनेस बिकॉज द लीडरशिप केयर्स, द लीडरशिप परस्यूज यू. अब आप हिंदी में बताओ तो लीडर ऑपोजिशन को मालूम पड़ेगा. हाँ वो तो अब वो ट्रांसलेट ही करा देंगे. सुनील कांत मुंजाल हेड ऑफ हीरो, सुन लो आप, हेड ऑफ हीरो, वो कहते हैं कि राजस्थान इज अ वेरी फ्रेंडली स्टेट टू इन्वेस्ट इन, वर्क इन हेल्थी, वेरी हेल्थी इंडस्ट्रियल रिलेशंस. अनिल अग्रवाल चेयरमैन वेदांता, वो बोलते हैं राजस्थान कैन बी द सेकंड ऑस्ट्रेलिया, सेकंड कनाडा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इट कैन बी द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया. अनिल अंबानी बोलते हैं ऑल अराउंड bold reform initiatives undertaken by the government has laid the foundation of an infinitely bigger, better, brighter future for the people of Rajasthan. ऐसे और बहुत सारे वो बोलने से कोई मतलब नहीं है, पर मैं आपके ऊपर आना चाहूँगी थोड़ा सा. पिछली सरकार ने दिसंबर 2008-2013 में एक MOU साइन किया, मुश्किल से 26 जुलाई 2010 में इन्वेस्टमेंट थ्रू BIP, ये बेचारे विराट पावर एंड माइंस प्राइवेट लिमिटेड for setting up 4.5 MTPA cement plant with an investment of 2,000 crores. This investment, Ayani, and the final has been closed by BIP. One MOU, bas itna hi. Or then one MOU was signed with Honda Motorcycles and Scooters on 11-5 for an investment of 1,100 crores. Apart from that, that's it. नहीं नहीं ये नो ये हम फैक्ट्स पे, हमारी आदत नहीं है, मैं वो पढ़ रही हूँ ना, वन मस्ट नॉट एंटर एन असेंबली हॉल, यू मस्ट नॉट स्पीक विद ऑल द राइटर्स इज फॉर वन हु डज नॉट स्पीक और वन हु स्पीक्स फॉल्सली. हम नहीं करने वाले, लिखा हुआ है वहाँ, हम ये नहीं कहने वाले, आप जाके पता कर सकते, कोई भी पता कर सकता है, हमको इसमें नहीं, हमारी आदत नहीं है ये. और नाम गोविंद का जो है 2200 करोड़ रुपये का किसने अमोल किया था और कहाँ किसने लगाई थी ये पढ़ लो. अच्छा अब आइए, अब आप श्रम विभाग पे आइए. सोच क्या है, जैसा है चल रहा है चलने दो. हमारी सोच ये है प्रदेश के और युवा पीढ़ी के हित में किस तरीके से निवेश बढ़ाया जाए और किस तरीके से नियम और कानून के अंदर संशोधित हम कुछ संशोधन कर सकें ताकि उनको हम मदद कर सकें, कैसे श्रमिकों का भी अहित ना हो और निवेशकों को भी परेशानी ना हो. ये सोचने के बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एक्ट 1970, फैक्ट्रीज एंड बॉयलर एक्ट 1948, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में हमने आवश्यक संशोधन किए. और वो खाली राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश ने सराहाया, दुनिया ने सराहाया. सो अब थोड़ा सा अपन कृषि पे आ जाए. आपकी सोच सरकारी अनुदान का उपयोग कर लो, जो आएगा उसको वहीं से ऐसे यूज़ करा जाए, सरकारी डिपार्टमेंट के रूप में उसका संचालन करो तो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, औपचारिक रूप से चलते रहो. हमने कहा कि नहीं, इसके अंदर अपने को टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रीट इट एज अ बिजनेस एंड सी कि किस तरीके से ग्रामीणों को उनके साथ जोड़ के उनके लाइवलीहुड को हम बढ़ा सकें. जैविक कृषि को बढ़ावा, इसराइल और अन्य देशों की टेक्निक्स का उपयोग कराना, हॉर्टिकल्चर में नए नए चीज़ों को लाना. ऑलिव, हमारा फर्स्ट ऑलिव प्रेस हो गया है, पूरी दुनिया उसको सराह रही है, हमारे देश के लोग, कितने सारे साइंटिस्ट आए हैं देखने के लिए कि हम इस ऑलिव को किस तरीके से दूसरे प्रदेशों में ले जाएं. फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग ऑलिव्स. अनार के बहुत अच्छा फार्मिंग हो रही है, डेट्स की अच्छी फार्मिंग हो, वो भी इसराइल से हम लोग लाए थे. संतरा के अंदर, ये चारों के अंदर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आपके खड़े हो गए हैं, दे आर डूइंग वेल. किसानों के लिए एग्रो, हमें सोचा कि भाई एक पैकेज हो किसानों के लिए, एग्रो मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग, IT, ई मंडी, इन सब चीज़ों को किस तरीके से जोड़ा जाए, कैसे किसान को समृद्ध और सशक्त किया जाए, कैसे उसकी आय बढ़ाई जाए, कैसे मॉडर्न टेक्निक्स के साथ उसको रूबरू कर दिया जाए, कैसे उसकी उत्पादकता बढ़े, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है. तो हमने ये सब जो हो रहा था उसके साथ साथ 330 ऐसे प्रगतिशील किसानों को भी सरकार के साथ जोड़ा एज ऑनररी एक्सटेंशन वर्कर्स. और हमने ये कहा कि भाई ये लोग हमारे रोल मॉडल बन जाएंगे और राजस्थान ये जाएंगे, राजस्थान के अंदर घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को बताएंगे, नई टेक्निक से उनको वाकिफ करेंगे और बताएंगे कि अगर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं तो वो आप भी हो सकते हो. ये अच्छा काम कर रहे हैं. फिर राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एंड एग्री मार्केटिंग प्रमोशन पॉलिसी 2015 जारी हो चुकी है.
और कृषि उपज मंडियों समितियों में लाइसेंस्ड हमाल और पल्लेदारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2016 से हम लोगों ने लागू की है। 55 नवीन सॉयल टेस्टिंग लैब्स की स्थापना हो गई है। 48 स्थानों पर इनका निर्माण कांड पूरा हो गया है। किसानों की भागीदारी सरकार के साथ बढ़ी, ये हमारा सोच। आज आप ये देख लीजिए कि जल का अच्छा उपयोग करीब 6000 डिग्गियों पर 146 करोड़ रुपए और फार्म पॉन्ड्स के ऊपर 10048 फार्म पॉन्ड्स के ऊपर करीबन 50 करोड़ रुपया, जल अहदों के ऊपर 2500 जल अहदों के ऊपर करीबन 13 करोड़ रुपया और ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर्स में करीबन 45000 हेक्टेयर और फुवारा संतरा संयंत्र की स्थापित करीबन 45000 हेक्टेयर ये मैंने स्थापना हुई है। हमारी जो फ्लैगशिप योजना है और वो किसी कारण से फ्लैगशिप योजना बनी है क्योंकि जब हमने उसका सोचा था, इसलिए सोच की बात करती हूँ मैं, इट वॉज 2005-2006, तब वो फैशन में नहीं था। जब उस समय फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात तो कोई करता ही नहीं था, आज सब लोग पूरी दुनिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं और आज उसी की वजह से हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो कार्यक्रम है वो सबसे नंबर वन पे है क्योंकि हमने तब उसको शुरू किया था और उसको खाली इम्प्रूव करते ही हम लोग गए। आपकी सोच क्या थी कि ये तो योजना पिछली सरकार की है, जल्दी से करो बंद, इसको तुरंत ही बंद करो, और आप राजधर्म की बात करते हैं। वो तुरंत ही बंद हुई, हर हालत में इसको लागू नहीं करना है, लागू नहीं हुई। कुल मिलाकर टोटली राजनीति से प्रेरित अपन थे। अब ये बात सही है, अभी कह रहे थे मैम, कौन कह रहे थे जो लास्ट माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि स्वयं राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने ये सार्वजनिक तौर पे कहा था कि जो दिल्ली से चलने वाली सरकार योजनाओं के लिए पैसे भेजती है उसे बिल्कुल मुश्किल से 15 पैसे लाभार्थियों तक पहुँचते तो बहुत बड़ी बात है। पर ये तो उन्होंने बोला तब बोला, परंतु इसी लोकसभा चुनाव के अंदर आपके नेता राहुल गांधी ने भी इसको दोहराया 4 मई 2009। वेरी इंटरेस्टिंग है ये डेली न्यूज़ का, उसमें ये कहते हैं, रविवार को अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के पैसा बांटा, लेकिन जनता तक आज भी 10 रुपए में से 10 पैसे ही नहीं पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी, हम राजीव पे नहीं है अपन, वन जनरेशन डाउन। हाँ, और उनके समय में, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे पिता, वो तो कह भी रहा है, देखो तो कितना उन्होंने कहा कि मेरे पिता राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपए में 10 पैसे जनता तक पहुंच रहे हैं, और आज भी वही स्थिति है, तो सरकार उन्हीं की थी, तो वी शुड नो। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसीलिए हम लोगों ने ये भामाशाह का इम्पोर्टेंस आपके सामने उजागर किया, और मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको अपने समय के अंदर इस्तेमाल कर लिया होता तो ये स्थिति और जल्दी ख़त्म हो जाती, पूरा पैसा जनता तक पहुँच जाता, उनके बैंक अकाउंट में चला जाता, ये इशू आप लोगों को फेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हमारी तो सोच ये है कि 100% राशि लाभार्थियों के पास पहुँच जाए, चाहे वो नगद हो चाहे गैर नगद हो। गैर नगद तो हम लोग आजकल कर रहे हैं राशन शॉप्स के अंदर, जो अन्नपूर्णा योजना चालू की है जिसको बहुत लोगों ने माना है, और उसके अंदर आप पॉस मशीन के ऊपर बायोमेट्रिक आराम से आप लोग अपना सामान निकाल सकते हो और कोई आपका सामान वहाँ से उठा नहीं सकता है, वो डायरेक्टली आपके घर पे पहुँचेगा, पैसा आपके घर में पहुँचेगा। सो नगद और गैर नगद भामाशाह के द्वारा आपके घर सीधे पहुँच सकता है, ये परिस्थिति हमने ला के रख दी। हमने अपनी महिला को सशक्त करने के लिए लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और हमने ये सोचा कि भाई इस पारदर्शिता से करें, इसके अंदर कोई फूल अराउंड कर नहीं सकता है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आर्थिक रूप से किस तरीके से संबल प्रदान करें, तो हमने वो 2000 रुपये उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और भामाशाह योजना को प्रारंभ किया है। आप लोगों ने उसको रोक दिया था, तो 15 अगस्त 2014 को हमने इसको फिर से प्रारंभ किया और 2016 जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने E1 गवर्नेंस का गोल्डन मने स्वर्ण पुरस्कार हमको दिया। सबने रिकग्नाइज किया इस देश के अंदर कि सबसे बेस्ट प्रोग्राम था, आप कर लेते तो कितना अच्छा होता, पहले ही हो जाता। इस प्लेटफॉर्म पे आज आपके बहुत सारे नगद के पेंशन, नरेगा, स्कॉलरशिप्स, वो सब चल रहा है और धीरे धीरे हम इस कोशिश में हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ें आ जाएं,
गैर नगद भी आ जाए ताकि इधर उधर जाने की जो ये लाइबिलिटीज होती हैं वो नहीं होगा। पूरे देश में इस किस्म का ये आईटी पहला आईटी प्लेटफॉर्म है और भामाशाह योजना में अब 1,11,30,000 परिवार नामांकित हो गए हैं, 60,00,000 व्यक्तियों को भामाशाह कार्ड मिल गया है और 2015 में अभी तक 2,12,00,000 ट्रांजैक्शंस हो गए हैं जिसके जरिए 1,313 करोड़ रुपए राशि सीधा लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर हो गया है विदाउट एनी लॉस एज टोल्ड टू अस बाय राजीव एंड राहुल गांधी। और इसलिए मैं बांजू से आने वाली मान्य सदस्य को कहना चाहती हूँ कि भाई ये भामाशाह को थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। आपने अपने ये कहा था कि कोई जगदीश सैनिक पेंशन के लिए बेचारी भटक रही है, हमने भामाशाह को इसलिए खड़ा किया कि ये नहीं होना चाहिए और हमने उसे पता किया, हमने पता किया तो हमारे पास आया उपकरण अधिकारी बांसुर ने कहा कि ये 1994 से इसको पेंशन प्राप्त हो रही है। फिर उसके बाद पटवारी ने ये कहा कि लास्ट क्रेडिट उसके बैंक अकाउंट में 31 दिसंबर को है और उसके बाद मेरे पास उसके बैंक अकाउंट का वो है कि उसके बैंक अकाउंट में 31/12 को 23,948 रुपीस थे और 31/12 को उसने 13,000 31/12 को उसने 13,000 उसके बैंक में 13,000 रह गए क्योंकि उसने 10,000 रुपए उसमें से निकाल लिए। सो प्लीज़ मैं आपको नहीं दे रही हूँ उस पर, नहीं ये सब आप नो आप बैठे आवंटित के लिए बैठिए, आप बैठे जमीन आवंटित के लिए चक्कर काट रही है वो। अब आप नहीं बोल था एक नहीं आपने अब यहाँ कुछ फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं अभी अपने कुछ फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं, एक तो जल स्वावलंबन, एक आपका रिसर्जेंट राजस्थान, एक आपका रोजगार और फाइनली आपकी रिफाइनरी। हर बार ये बात उठती है, हर बार हम इस चीज़ को आपके सामने क्लैरिफाई करते हैं, परंतु मुझे खुशी है फिर आज आपको फिर से क्लियर कर दूंगी। आपने अभी मुद्दा उठाया, आपकी ये है कि राजनीतिक लाभ हमको कैसे मिले, पहले लीलावली में रिफाइनरी जीवन जमीन की कीमतें वहाँ बढ़ा दी, फिर आपको मालूम है वहाँ सब कुछ क्या हुआ, बाद में 22/9 को चुनाव के ठीक पहले पचपदरा में आपके परिवार के मुखिया ने राजस्थान के माने आपके राज परिवार के मुखिया ने उसकी वहाँ नींव डाल के और वहाँ काम चालू हो जाएगा वो जस्ट बिफोर इलेक्शन करके छोड़ दिया। अब क्या सब्सिडी हुई इसके अंदर, इसलिए मैं कहती हूँ इसका ये घाटे का सौदा। और आप अपने घर में बिजनेस करते तो आप लोग तो कभी कोई घाटे का सौदा नहीं करते, हम तो अपने घर में नहीं करते हैं, तो हम राजस्थान अपना घर मानते हैं, इस चीज़ के अंदर हम क्यों घाटे का सौदा अपने लोगों के लिए करें। पर ये घाटे का सौदा है अध्यक्ष जी, क्योंकि रिफाइनरी की कीमत तो 37,229 करोड़, सरकार दे रही है 56,040 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्लस 300 करोड़ रुपए में 4,800 एकड़ जमीन ये तय देना तय हुआ है, पानी और सड़क की सुविधा वो सब अलग, माने आप तो फ्री में उसको खड़ा कर रहे थे 26, और इसके क्या हमको मिल रहा है ओनली 26% शेयर इन द कंपनी, ओनली 26% बिना किसी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस से कि 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट 3 घंटे के अंदर तय, आप करोगे नॉट पॉसिबल। आप माने हम लोग कोई भी धंधा करते हैं अपने परिवार का बिजनेस करते हैं तो 10 दफा उसके अंदर देख के करेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और कोई प्रोजेक्ट एडवाइजर नहीं। थोड़ा सा गणित अपन समझे, कंपनी की लागत से ज्यादा सब्सिडी, 15 साल तक प्रतिवर्ष दिए जाने वाले 3,736 करोड़ रुपए, ओके अब आप ये देखेंगे मिनिमम ब्याज जो हम दे रहे हैं 9%, इसके आधार पर अगर आप देखें तो 1,19,595 करोड़ रुपए का बोझ। आप कहोगे कैसा, आप वो कॉस्ट जो 3,736 × 15 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट फॉर एट 9% फॉर 15 ईयर्स वो 63,000 करोड़ वो हो गया, 56,000 उसको और जोड़ दीजिए सो 1,19,000 करोड़। और हम मैंने
जस्ट इमेजिन इस तरीके के प्राइसिंग, इस तरीके के कॉस्टिंग, और फिर आप मेरे को कहते हो कि राजधर्म का पालन, ये राजधर्म है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कभी रिफाइनरी कोई जाके देखा है यहाँ? आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉडर्न रिफाइनरी के अंदर सर एवरीथिंग इज ऑन मशीन्स। 700 आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, मैं गई थी सऊदी अरेबिया एज मिनिस्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज, उन लोगों ने बुलाया था फॉर स्मॉल इंडस्ट्री प्रोग्राम, और उन्होंने इसलिए बुलाया था कि हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज में हम रोजगार नहीं दे सकते, इसलिए हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है। तो आप आके हमें बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो कैसे चलती हैं, क्योंकि हमारे बिग इंडस्ट्रीज की वजह से हमारे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं और ये सब चीज़ों के अंदर अननेसेसरली व्यस्त हो रहे हैं। नॉट मोर देन 700 पीपल इन अ रिफाइनरी, दिस इज समथिंग वन हैज टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने तो ये सोच रखा है कि भैया राजस्थान को अपन आगे रखेंगे। सबसे पहले हमारा प्रदेश हमारा परिवार है, और प्रॉपर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस के बिना हम कोई ऐसे बिजनेस डील में नहीं जाएंगे। एक पीडब्ल्यूसी को हम लोगों ने इस बार ट्रांजैक्शन एडवाइजर को नियुक्त किया है, और हमने ये कमिटमेंट दिया है कि रिफाइनरी एट टर्म्स एंड कंडीशन फेवरेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट टू वन। ओके, HPSCL और राज्य सरकार के मध्य हमारी वार्ता चल रही है। 9 February को लास्ट हमारी मीटिंग हुई है। HPCL के डायरेक्टर ने, अब ये भी सुन लो आप, ने अनुरोध किया है कि क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी, दे डोंट नो व्हाट द क्रूड ऑयल अवेलेबिलिटी इज फॉर हाउ लॉन्ग, के संबंध में DG हाइड्रोकार्बन से क्या लेटेस्ट पोजिशन है पता कर लो। अगर अथाह तेल था तो ये करने की जरूरत ही नहीं होती, ये अथाह तेल नहीं है, there's a limited amount of oil, और वो कितना है उसकी position assess करना है, क्योंकि उसकी position के assessment पे हम investment करेंगे naturally। जो भी होगा पूरे पारदर्शी रूप से होगा, प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश की जनता के हित में होगा, और आनन फानन में और राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग नहीं करने इतना। अब अदर फेवरेट सब्जेक्ट इसी में कि हमने मेट्रो का कितना सुंदर काम किया, क्या सुंदर काम जरूर बताओ। 11,732 करोड़ रुपए के मेट्रो की परियोजना, 3,400 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज, JDA से 120 करोड़, हाउसिंग बोर्ड से 100 करोड़, रिको से 100 करोड़, सब पूरा बिल्कुल चौपट करके। जब हम आए थे तो JDA के पास 4 करोड़ मुश्किल से थे, 4 करोड़ मुश्किल से थे। आज सरकार से 30 करोड़ लेना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और आप लोग चले जाओ ना मेट्रो के ऊपर तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि कैरिंग कितना कैरिंग कैपेसिटी है और वाकई में कितने पैसेंजर्स आ रहे हैं। तो इसकी इकोनॉमी ऑन द इकोनॉमिक्स ओनली चलेगी आपकी, आज आपकी इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं उसमें। और क्योंकि ये मेट्रो वाले जो कंपनी है वो 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा दे नहीं सकती, 30 करोड़ रुपए हमको देना पड़ रहा है, 40 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं बिकॉज हमने इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी नहीं की थी। सर हमने इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं की थी, हमने सोचा था कि हम ये चला देंगे तो हम लोगों को खुश कर लेंगे, उनके वोट ले लेंगे, रिजल्ट क्योंकि जनता सब समझती है। और जनता के सामने जाओ, अगर कोजेंट आर्ग्यूमेंट लेके उसके सामने जाओ तो वो समझने को भी तैयार है, परंतु इस तरीके का भी वो समझती है। कोई आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेगा तो दे कांट गेट अवे विथ इट, दैट इज द फाइनल रिप्लाई उनकी तरफ से। अब लेटेस्ट आप लोग, आपकी सोच है ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा, आपकी क्या सोच है? राजनीति को जितना हवा दे सकते हैं हवा देने की अपन कोशिश करो, क्योंकि अगर अच्छे काम से हम तुलना नहीं कर सकते, ये तो हम सब जानते हैं, जब हम अच्छे काम से तुलना नहीं करते हैं तो फिर राजस्थान के सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच में हम दरारें क्यों न डालें, हम एक जात को दूसरे जात से क्यों न लड़ा दें, हम एक मज़हब को दूसरे मज़हब से क्यों न लड़ा दें, हम ऐसी व्यवस्था ऐसी परिस्थिति राजस्थान के अंदर क्यों न कर लें कि मैथ्स 9+2+10 हो जाए तो शायद हम लोग वापस आ सकेंगे। ये करके हम लोगों ने इस तरीके की लो राजनीति करने का काम चालू किया है। इसके लिए आपको भला नहीं, दुआ नहीं देगा कोई भी, आगे चल के ये सब बातें सब लोगों के सामने आ रही और सबको मालूम है कि कौन जाके किसको कैसे बात कर करा के और क्या कर रहा है, ये कहीं से किसी से छिपी नहीं। पर मैं आपके जस्ट फॉर द रिकॉर्ड लाना चाहूँगी, 2003 के चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए मैं कहती हूँ EBC के आरक्षण के लिए आपने भारत सरकार को पत्र लिख दिया, फर्स्ट सेल्वो।
ये सिर्फ सिर्फ पत्र था ना, अपन मंत्रिमंडल में गए ना, कुछ किया किसी का निर्णय नहीं, कुछ नहीं, बस पत्र डाल के और आग लगाने का काम शुरू कर दिया। 5 वर्ष आपको मिले, क्या किया? कुछ भी नहीं। ओह साइलेंट एब्सोल्युटली। और हम लोग नहीं, अब वो डिफरेंस आपके और हम में वो दिखाई देता है, सोच में फर्क कितना है आपके और हम में, वो हमको दिखाई दे रहा है। हमने आग नहीं लगाई, हमने तिल्ली नहीं लगाई, हमने जाके किसी को उठाने की कोशिश या किसी को पैसे देने की या किसी को आगे बढ़ाने कुछ नहीं किया। हमने ये कोशिश की कि वो वातावरण सौहार्दपूर्ण हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कल राजस्थान को अगर हिंदुस्तान के अंदर कम्पीट करना है तो दूसरे प्रदेशों के साथ वो तभी कम्पीट कर सकती है जब उसका अंदर का वातावरण, इंडस्ट्रियल वातावरण बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छा हो। यहाँ निवेश करने के लिए ऐसी परिस्थिति में कौन आएगा? और जब यहाँ निवेश नहीं होगा, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये किसी ने सोचा है कि हम खाली पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स में अपनी जिंदगी निकाल देंगे? कहीं तो पॉलिटिक्स को विराम देने की जरूरत है। चलिए आगे चलिए, कमीशन का आपने गठन तो कर दिया, परंतु ना तो अध्यक्ष, ना सदस्य, ना कुछ, बस करके और अपन चल दिए। अब हमारा जो सोच है उसमें हमने आपको ये बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में कहीं खून खराबा ना हो, सोच सामाजिक समरसता, सब लोग प्यार से एक साथ रहें, 36 के 36 कौम के बीच में कोई आ नहीं सके, प्रदेश का पूरा और सर्वांगीण विकास हो। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उनके काल में राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का उन्होंने गठन किया था। संवैधानिक दायरे में रहते हुए EBC को आरक्षण का लाभ दिलवाना चाहते थे वो भी और हम भी। हमने 17 सितंबर 2007 को माननीय जस्टिस शशिकांत शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, जिसे आपने 24/12/2008 को कर दिया भंग। 2008 में भी हमने बिल पारित किया जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने 22/12 को मना कर दिया। हमने फिर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अलग से बिल पारित किया 9/10/2015 को, उसको प्रकाशित भी कर दिया। कानूनी बाध्यता को पूरा करने के लिए EBC आयोग हमने गठित भी किया, उसका अध्यक्ष भी बनाया, उसके सदस्य भी लगा दिए, ताकि आर्थिक पिछड़े वर्गों का वहाँ सर्वे भी हो जाए और जो कोर्ट मांग रही है क्वांटिफायबल डेटा जिसको कहती है, आंकड़े संकलित वहाँ हो जाए। अब इसी EBC आयोग ने अपना काम चालू कर दिया है। ये सब हमने 2 साल में किया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 5 साल ये कर क्या रहे थे जो ये हमसे पूछ रहे हैं? और जब ये सब काम चालू कर रहे हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता है कि 5 साल क्या हुआ, सब शांति से बैठे रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा आज के दिन सर ये मानना है कि अच्छी सोच हो तो नीयत भी अच्छी हो जाती है, और अच्छी नीयत होती है तो नीति भी अच्छी बन जाती है, और अगर अच्छी नीति बनती है तो प्रदेश की नीयति भी अच्छी हो जाती है। और मैं इसकी तरफ, हमारी तरफ से ही नहीं, हम कहते हैं कि हम सबको, क्योंकि हम लोग सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जब लोगों ने हमको इलेक्ट किया है तो कुछ सोच विचार करके इलेक्ट किया है, तो हमारी सबकी ड्यूटी बन जाती है कि इस चीज़ को हम ध्यान रखें और इसके ऊपर चलने की हम पूरी कोशिश करें। आखिर मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही नहीं, 2 साल के अंदर ये रिकग्निशन सिर्फ हम अपनी तूती यहाँ बजा रहे हैं वो नहीं, हमको अवार्ड्स मिले हैं अध्यक्ष महोदय, और मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। भामाशाह की, जैसे मैंने कहा आपको, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार, एसोकेम ने बेस्ट स्टेट एंड स्किल डेवलपमेंट का अवार्ड हमें दिया है। ऊर्जा के एरिया में अक्षय ऊर्जा के हमारे 11 पुरस्कार मिले हैं। कृषि विभाग में कृषि क्रमण अवार्ड 2015 हमको मिला है। सहकारिता विभाग में राज्य स्तरीय NDC सहकार उत्कृष्टता पुरस्कार हमको उनके मंत्री ने दिया है। पर्यटन विभाग के अंदर आउटलुक ट्रैवलर ने जयपुर को फेवरेट सिटी के अवार्ड दिया है। इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड ट्रैवल अवार्ड ने बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन दिया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने हमको समग्र पर्यटन विकास श्रेणी में श्रेष्ठ राज्य से सम्मानित किया है। जल ग्रहण के एरिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ GIS का पुरस्कार हमको मिला है। चिकित्सा में 46,000 आशाओं को समय पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आशा सॉफ्ट
इसके लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत पुरस्कार प्राप्त किया है। आईटी डिपार्टमेंट को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट मिले हैं फॉर ई मित्रा, फॉर स्टेट लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोजेक्ट, फॉर आईटी इनेबल्ड भामाशाह प्रोजेक्ट, फॉर ईएसआरआई अवार्ड फॉर 2015 फॉर राजधारा, दैट्स अ जीआईएस प्रो। तो मने ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हमें यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे देश के अंदर राजस्थान को नोटिस किया गया है, बिजनेस नहीं नहीं पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर भी। और ये जो हमको मिले हैं उससे ये मालूम हो जाता है कि हमारा नहीं पूरे के पूरे लोग टीम राजस्थान के रूप में सब लोग मिलकर अपना काम करने में पीछे नहीं रहे। आखिर सर, आखिर अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि ये सोच सोच की बात होती है और मन के टीस की बात भी होती है और एक नज़रिए की भी बात होती है। राजस्थान को किस नज़रिए से हम देख रहे हैं वो भी इंटरेस्ट होता है। मैं कहती हूँ कोई लोग राज करने के नज़रिए से देखते हैं और कोई लोग सेवा करने के नज़रिए से देखते हैं। मैं यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहती हूँ सबके सामने कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ हम लोगों को चुन के इस मुकाम तक पहुँचाया है, हम उनकी उम्मीदों के लिए सेवा भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ, सबको साथ लेके पूरा प्रयास करके राजस्थान को, उनके स्वाभिमान को, उनकी इज्जत को बनाए रख के राजस्थान को नंबर एक प्रदेश पे ले जाने की पूरी कोशिश में कमी नहीं छोड़ेंगे। और मैं अध्यक्ष महोदय ये बताना चाहती हूँ कि ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे टीम की बात है। चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे वो जनता हो, सब लोगों ने जो मेहनत की है, जो काम किया है और लगातार कर रहे हैं उसकी वजह से आज हम यहाँ तक बैठे हैं। और ये कह के मैं अपनी बात पर विराम देना चाहती हूँ कि और ये मैं एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नया संकल्प आप लोगों के सामने दो पंक्तियों के साथ छोड़ना चाहूँगी, माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए और उनके सब माननीय विधायकों के लिए, सदस्यों के लिए, तुम्हारे सुन लो जी, नो मान्य सदस्यों के लिए, आप सब मान्य सदस्यों के लिए, आपके लिए स्पेशली उनके बाद, तुम्हारे दिए घाव पर नहीं, आपके लिए नहीं, नहीं सोच सोच की बात होती है। मैंने कह रही हूँ कि जिन लोगों का मैंने सोच में, जिन लोग जो लोग राजस्थान के लिए सोचते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं तो अपने को उनके लिए अच्छी बात करनी चाहिए। और आज मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम्हारे दिए हुए घाव पर मरहम लगाया है, इस सूबे में तरक्की का परचम फहराया है, अंधेरों को बना दिया था तुमने नसीब सबका, ऐसे में हमने रोशनी का रास्ता दिखाया है।